क्वेश्चन रिएक्शन टेक्सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री मिनट्स फॉर फिफ्टी परसेंट कम्पलीशन हाउ मच टाइम विल बी नीडेड फॉर एटी परसेंट कम्पलीशन हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 50 परसेंट कम्पलीट होने में 69.3 मिनट ले रही है तो 80 परसेंट कम्पलीट होने में कितना टाइम लगेगा तो यहाँ पे हमें टी हाफ की वैल्यू गिवन है टी हाफ हमें यहाँ पे गिवन है 69.3 मिनट्स टी हाफ वो टाइम होता है रिएक्शन फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट हो जाती है या आप कह सकते हो कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हाफ हो जाती है तो यहाँ फिफ्टी परसेंट कम्पलीट हो रही है रिएक्शन तो उसका हमें टाइम गिवन है दैट मींस हमें यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू गिवन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू अगर हम give, हमें गिवन है तो उससे हम रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला रेट कॉन्स्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये हो जाएगा के विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री मिनट्स मिनट्स तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा 0.01 मिनट इनवर्स अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट तो पता चल गया हमसे पूछा जा रहा है कि 80 परसेंट रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसको मैंशन कर सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू टू डिवाइडेड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को और ए माइनस एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बची है आफ्टर टाइम टी तो अगर हम एज्यूम कर लें लेट्स अज्यूम अज्यूम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑफ रिएक्टेंट जो कि ए है रिएक्टेंट हम यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं ये इनिशियल कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम मान लें अगर 100 ग्राम तो 80 परसेंट रिएक्शन कंप्लीट जब होगी तो 100 ग्राम का अगर हम 80 परसेंट निकालें 80 परसेंट तो ये हो गया 80 ग्राम तो दैट मींस 80 परसेंट रिएक्शन जब होगी तो 80 ग्राम रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो गया होगा तो बचेगा कितना तो वो होगा a- माइनस एक्स यहाँ से ही हमने x कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी कि कितना कंज्यूम हो गया तो a- माइनस एक्स हो जाएगा 100 ग्राम माइनस एटी ग्राम तो ये हो जाएगा 20 ग्राम तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की वो हुई 0.01 मिनट इनवर्स दिस विल बी इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हंड्रेड बाई ट्वेंटी हम यहाँ पे ग्राम इसलिए लगा रहे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया हंड्रेड बाई ट्वेंटी तो ये लॉग हंड्रेड बाई ट्वेंटी को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट तो पहले हम यहाँ से इसको मैंशन कर देते हैं ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन मिनट इनवर्स दिस विल बी इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी और इसको सॉल्व करने पर आएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट तो यहाँ पे हम टी को इस तरीके से मेंशन uh, कर सकते हैं 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट अपॉन जीरो पॉइंट जीरो वन मिनट इनवर्स अब ये यहाँ पे मिनट इनवर्स में है ऊपर जाएगा तो यूनिट आ जाएगी मिनट में तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन सिक्सटी पॉइंट सेवन मिनट या आप इसको बोल सकते हैं टी विल बी इक्वल टू वन सिक्सटी वन मिनट सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ